नमस्कार साथियों, हरियाणा में जिन किसानों की कपास की फसल खराब हो गई है उनको अब मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत जो आवेदन है वो होने शुरू हो गए हैं। अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, इन जिलों के किसान अपनी खराब फसल का जो ब्यौरा है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और 21 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 तक इन दिनों में ही अपनी कपास की फसल का पंजीकरण होगा, जिस पर किसान को 5% जो शुल्क है वो दिया जाएगा और कितना मुआवजा मिलेगा वो आप देख सकते हैं। खरीफ फसल 2023 कपास के लिए अधिकतम 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे, लेकिन किसान को 1,500 रुपये शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। प्रति एकड़ किसान द्वारा जमा करवाया जाने वाला शुल्क 1,500 रुपये होगा और अधिकतम वित्तीय जो सहायता है प्रति एकड़ वो 30,000 रुपये दी जाएगी। ये केवल कपास की खराब फसल के लिए है। जिन किसान भाइयों की कपास फसल खराब हो गई है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना जो आवेदन है कर सकते हैं, लेकिन केवल ध्यान रखना है 7 जो ज़िले हैं उन्हीं किसानों को ही करना है, जिसमें अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम ज़िले शामिल हैं। और आप जो अपना आवेदन है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कर सकते हैं 1,500 रुपये प्रति एकड़ देकर। उनकी खराब फसलों की गिरदावरी होगी पटवारी या तहसीलदार या किसी सरकारी उसके द्वारा और फिर आपको जो मुआवजा है वो मिल जाएगा। अगर किसान भाई को कोई जानकारी प्राप्त करनी है इसके बारे में तो टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट भी है agrihariana.gov.in, इस पर भी जो पूछताछ क्वेरी है वो कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बड़ी बात है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो फसल है पूरे हरियाणा में ही फसल ख़राब हो चुकी है। कपास की फसल की अगर हम बात करें क्योंकि उसमें जो बीमारी है वो आ चुकी है, इसलिए आप अपना जो आवेदन है वो ज़रूर करें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, क्योंकि अधिकतम 30,000 रुपये जो प्रति एकड़ है वो आपको मिलेगा कपास की खराब फसल के लिए। तो इन जिलों के किसान ध्यान रखें, 21 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 तक ये जो आवेदन है वो किए जा सकेंगे और इन जिलों के किसान कपास की फसल के नुकसान की जो भरपाई है वो प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।